आगे बढ़ेंगे। राजस्थान की 16वीं विधानसभा के लिए कालीचरण सराफ प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं, जिन्हें राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र ने शपथ दिलाई। इस रिपोर्ट में देखिए, कालीचरण सराफ के हाथ प्रोटेम स्पीकर की कमान, राज्यपाल कलराज मिश्र ने दिलाई शपथ। राजभवन में राज्यपाल के जरिए शपथ ग्रहण कराते ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता और 8 बार विधायक रहे कालीचरण सराफ 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बन गए। प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ अब नवनिर्वाचित विधायकों को विधानसभा में शपथ दिलाएंगे। प्रोटेम स्पीकर के सहयोग के लिए 3 सदस्य पैनल बनाया गया है, जिसमें विधायक दयाराम परमार, प्रताप सिंह सिंघवी और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना को शामिल किया गया है। परंपरा के मुताबिक विधानसभा सत्र शुरू होने के बाद पहले 2 दिन नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। सदस्यों के शपथ के बाद विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। प्रोटेम स्पीकर ही विधानसभा के पहले दिन की कार्यवाही संचालित करता है। आइए अब आपको बताते हैं कि प्रोटेम स्पीकर होता कौन है। प्रोटेम का मतलब होता है कुछ वक्त के लिए, यानी अस्थायी होता है। सबसे ज्यादा चुनाव जीते विधायक को बनाया जाता है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति गवर्नर करते हैं। प्रोटेम स्पीकर ही नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाते हैं। विधायकों की शपथ के बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव होता है। स्पीकर के चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर का कार्य खत्म हो जाता है। कालीचरण सराफ ने जयपुर की मालवे नगर सीट से विधानसभा का चुनाव जीता है और हैट्रिक मारी है। 3 बार उनके सामने कांग्रेस ने अर्चना शर्मा को खड़ा किया और 3 बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के शहरी अभियान का शुभारंभ किया। सांगेनर विधानसभा क्षेत्र से शुरू हुए इस शिविर के तहत अब प्रदेश भर के निकायों में जहां लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन करके उनको योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। सीएम ने इस अभियान को शुरू करने के साथ ही साफ तौर पर कहा कि अब कोई योजनाओं के लाभ से अछूता नहीं रहेगा, योजनाओं का पूरा लाभ आम जन को मिलेगा और सही समय पर मिलेगा। उन्होंने कहा कि नहीं मिलने पर अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोगों को संबोधन करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ लोगों तक जरूर पहुंचेगा। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि एक एक जन तक योजनाओं का फायदा पहुंचे। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अगर योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचेगा तो इसके लिए जवाबदेही अधिकारियों की होगी, यानी कि अगर अधिकारियों की लापरवाही सामने आती है तो उनके ऊपर भी गाज गिर सकती है। तो भजनलाल शर्मा ने जमकर केंद्र की योजनाओं का बखान भी किया और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी तक योजनाओं का लाभ पहुंच सके। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 15 नवंबर 2023 को शुरू की गई है विकसित भारत संकल्प यात्रा। संपूर्ण देश में नागरिकों तक योजना का लाभ पहुंचाने वाला एक परिवर्तनकारी अभियान है, तो हमारी विकसित भारत संकल्प यात्रा है, तो हमारी पार्टी का ध्येय है अंत्योदय और गरीब कल्याण को लेकर के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस विकसित भारत संकल्प यात्रा से गांव के उस अंतिम पंक्ति में खड़े उस व्यक्ति को लाभ पहुंचेगा जिसका पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने और यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा है कि अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति को हमारी इस योजना के माध्यम से किस तरह से लाभ मिल सकता है।
खबर जयपुर से है, जहां पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने ये बयान न्यूज 18 से खास बातचीत के दौरान दिया। खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी ने वरिष्ठों को दरकिनार कर दिया है। जिन नेताओं ने जमीन पर संघर्ष किया, उनकी जगह पार्टी नए चेहरों को आगे बढ़ा रही है। बीजेपी को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ने मस्जिदों के निर्माण की खबरें फैलाई और जनता को बरगला कर चुनाव जीत गई। सुनिए। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह खाचरियावास। खाचरियावास जी, ये जो नतीजे आए उसके बाद में एमपी और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने बहुत सारे बड़े बदलाव करे हैं, युवाओं को आगे बढ़ाया है, राजस्थान में आप किस तरह की जरूरत महसूस करते हैं? देखिए, राजस्थान में ये जरूरत महसूस कब क्या होगा, ये बहुत जल्दी है। अभी एक्शन, आपको पता है, अपोजिशन लीडर का फैसला होना है, तो जो विधायक है उन्होंने अपनी राय दे दी, ऊपर चली गई राय। अब उसके बाद कौन अपोजिशन लीडर बनेगा, उसमें कई लोगों के नाम चल रहे हैं, सचिन पायलट जी का भी है, बाकी लोगों का भी नाम है। तो ये जमाना बदल रहा है, तो जमाना बदलने के अनुसार नई लीडरशिप भी आ रही है, सब पार्टियों में आ रही है, तो नई लीडरशिप तो आगे आएगी। पूरा होमवर्क हो गया होगा आपका, कांग्रेस पार्टी क्यों हार रही है? 69 सीटें एक सम्मानजनक स्कोर तो है, लेकिन आप सत्ता की दहलीज तक नहीं पहुँच पाए। आप क्या बात कर रहे हैं, आप सिटीज में हमें सबसे ज़्यादा नुकसान हो। अब जयपुर में तो बीजेपी ने एक ही प्रचार किया, लोगों को, वोटर को समझना चाहिए। इसमें मैं बीजेपी से ज़्यादा वोटर को समझदार बनना पड़ेगा। ये देश की आज़ादी को सिर्फ 76 वर्ष हुए हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई यहीं रहते हैं। आप बताओ, मैं खुद मिनिस्टर था, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, लोग जाके कह रहे हैं भाई साहब यहाँ मस्जिद बन रही है, तो 5 साल में तो मस्जिद नहीं बनी। और मस्जिद कभी सरकार नहीं बनाती, मंदिर तो सरकार बना सकती है, मस्जिद तो हम बना ही नहीं सकते। इस्लाम में ये लिखा हुआ है कि मस्जिद बनाने का किसी सरकार को अधिकार ही नहीं है, सरकारों से मस्जिद बनवाते ही नहीं है इस्लाम धर्म को मानने वाले मुस्लिम्स। वो मस्जिद जो बनाता तो एक मुस्लिम भी नहीं बना सकता। मस्जिद भी ऐसी जगह वो बनाते हैं जब सब मिलके पैसा लगा के, जहाँ मुसलमान होते हैं। भाई साहब आपने अटे मस्जिद बन रही थी कहीं, बताओ फालतू की बातें। वोटर की हालत देखो ना आप, 5 साल जो सरकार हमारी थी तो मस्जिद कहाँ बन गई सरकारों ने। मैंने जैसे सिविल लाइन्स में लगभग 20 करोड़ रुपये मंदिरों का काम चल रहा था, और जब मैं चुनाव लड़ रहा था तब 37 मंदिरों का काम चल रहा था, वो दिख रहा है उनको मंदिरों का काम चल रहा, मस्जिद कहीं नहीं बन रही थी ना बनने वाली थी। और वो वोटर होशियारी कर रहा है, तो जब वोटर ही होशियारी कर रहा है तो हम क्या करें? तो वोटर ने जब रिजेक्ट ही कर दिया तो बात खत्म हुई। तो वोटर को काम के आधार पर वोट नहीं देना था। तो वही सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में सभी 7 आरोपियों को एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने 2 जनवरी तक जेल भेज दिया है। गौरतलब है कि आज ही हत्या में शामिल शूटर और साजिशकर्ता की रिमांड पूरी हुई थी, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। इस रिपोर्ट में देखिए, गोगामेड़ी हत्याकांड में आरोपियों को जेल, एनआईए की स्पेशल कोर्ट का फैसला, 2 जनवरी तक सभी आरोपियों को जेल। पांच दिसंबर को जयपुर के श्याम नगर में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या करने वाले शूटर और हत्या की साजिश रचने वाले सभी आरोपियों को एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने 2 जनवरी तक जेल भेज दिया है। सोमवार को रिमांड अवधि पूरी होने के बाद सभी 7 आरोपियों को एनआईए कोर्ट में पेश किया गया। मामले में हथियार सप्लायर आरोपी पूजा सैनिक की रिमांड अवधि पहले ही पूरी हो चुकी थी, ऐसे में उसे पहले ही कोर्ट में पेश किया जा चुका है, जहां से उसे जेल भेजा गया। सभी 7 आरोपियों को एनआईए की जो स्पेशल कोर्ट है वहां पर पेश किया गया था। पूरे मामले की कार्रवाई, जो फीडबैक था, अब तक की जो चार्ज रिपोर्ट थी वो कोर्ट ने देखी, तमाम केस डायरी को कोर्ट ने देखा। जो जज हैं एनआईए स्पेशल कोर्ट के, रविंद्र कुमार सेकंड, उन्होंने इस पूरे मसले की सुनवाई की है। पूरे मसले की सुनवाई के बाद में करीब 30 से 35 मिनट सुनवाई चली। सुनवाई में काफी दलीलें जो थी वो जो है वो कोर्ट के अंदर जो है जो सरकारी वकील है उनकी तरफ से रखी गई। इसके अलावा जो आरोपियों के अधिवक्ता थे उनके तरफ से भी बात रखी गई। कोर्ट ने इस मामले में शूटर रोहित राठौड़, नितिन फौजी, रामवीर जाट, उद्धम सेन, राहुल, सुमित, भवानी सिंह और रोनी 7 आरोपियों को पेश किया, जिन्हें कोर्ट ने 2 जनवरी तक जो है वो कोर्ट ने जेल भेजने के आदेश जो है वो जारी किए हैं। गोगामेड़ी हत्याकांड में पुलिस ने शूटर रोहित और नितिन फौजी को उसके एक साथी के साथ चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया था। वहीं जयपुर में फायरिंग के बाद भगाने में मदद करने वाले शूटर नितिन फौजी के साथी रामवीर और गुरुग्राम की जेल से भवानी सिंह उर्फ रोनी राजपूत समेत 3 आरोपियों को प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया। विदेश में बैठे रोहित और वांटेड वीरेंद्र चारण के निर्देश पर गोगामेड़ी की हत्या का आरोप है।
आरोपियों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में बख्तरबंद गाड़ियों के अंदर जो है वो ले जाया जा रहा है और लगातार ये कोशिश की गई पूरी कड़ी सुरक्षा के व्यवस्था के बीच में एनआईए कोर्ट के अंदर आरोपियों की सुनवाई हुई और उसके बाद में सभी आरोपियों को कोर्ट ने जेल भेजने के आदेश जारी कर दिए हैं। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 जयपुर। और अब बात नकली नोट के डेवलपर की। झुंझुनू में नकली नोट छापने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने गैंग के सरगना समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी को पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर चुकी थी। चिड़ावा सीआई विनोद सामरिया के मुताबिक खुड़ानिया गांव का रहने वाला शुभम पेशे से वेबसाइट डेवलपर है, जिसे पुलिस ने नकली नोट छापने के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक 15 दिसंबर को डीएसटी टीम ने अमित नाम के एक युवक को नकली नोट के साथ गिरफ्तार किया था, जिसकी पूछताछ में गैंग के दूसरे सदस्यों के बारे में जानकारी मिली। इसके बाद गैंग का सरगना शुभम जांगीर गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है कि शुभम न केवल खुद नकली नोट छाप रहा था, बल्कि उसने अपने जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड में रहने वाले अपने दोस्त सुरेंद्र कुमावत के अलावा रामा पीर और हिमांशु सोलंकी की भी मदद काम में ली थी। पुलिस हर पहलू की गंभीरता से जांच कर रही है। पहलुओं का गहनता से अनुसंधान किया जाएगा। इस टीम के अंदर जो पूरी टीम थी वो पूरी कड़ी हमारे पास है, इनसे अब पृथक पृथक से पूछताछ किया जाना है और उपकरणों की बरामदगी किया जाना शेष है। ये इन्होंने अभी करीब 20-25 रोज से ही इन्होंने काम चालू किया है और शुभम के द्वारा ये पूरी रचना रची गई है और अभी अनुसंधान शेष है। अभी चूंकि प्रकरण 15 तारीख को दर्ज हुआ है, हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी अग्रिम मुलजिम को लाने का, वो हम लेके आए हैं। खबर अजमेर से है। ख्वाजा मॉडल स्कूल में ईआरएमएस भर्ती परीक्षा के दौरान डमी कैंडिडेट को पकड़ा गया। ये मुन्ना भाई बायोमेट्रिक के जरिए पकड़ लिया गया। उसके खिलाफ सिविल लाइन थाने में राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। एडिशनल एसपी सिटी महमूद खान ने बताया कि 17 दिसंबर को ईआरएमएस भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया और इसका केंद्र अजमेर के ख्वाजा मॉडल स्कूल रहा, जहां पर बायोमेट्रिक के जरिए उपस्थिति दर्ज की जा रही थी और इसी दौरान फर्जी अभ्यर्थी को पकड़ा गया। स्कूल प्रबंधन ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। उन्होंने यह अभियोग दर्ज करवाया है और उसके आधार पर इस मुकदमे को दर्ज करके एक कालूराम मीणा है, यह निवासी मेहंदीपुर बालाजी का है, जो दिलसुख मीणा स्वाईमाधोपुर निवासी है, इसकी परीक्षा देने के लिए बैठा था, उसके आधार पर यह मुकदमा दर्ज किया है। और चूंकि ये नया जो परीक्षा अधिनियम राजस्थान सरकार का है उसकी धारा 3/10 में, उसमें एडिशनल एसपी ही जांच अधिकारी होता है, अतः सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज करके और जांच की जा रही है और जैसी भी इन्वेस्टिगेशन से कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। कौन है आरोपी, कहां का रहने वाला है? मैंने बताया ना अभी आपको, ये कालूराम मीणा निवासी मेहंदीपुर बालाजी है, जिसको अभी डिटेन।